हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, टुडे विल डू नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस रिवीजन ऑफ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन. ओके, अप टू दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड यू 12th, एंड टुडे विल डू 13th, 14th एंड 15th क्वेश्चंस रिवीजन. ओके, लेट्स स्टार्ट. लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी. क्वेश्चन नंबर 13 इज वेयर इज योर हाउस. वेयर इज योर हाउस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि आपका घर कहाँ है. वेयर इज योर हाउस, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे माई हाउस इज इन, अगर आप जसपुर रहते हैं, यू विल से माई हाउस इज इन जसपुर. If in Kashipur, my house is in Kashipur. Okay? Where is your house? My house is in Jaspur, Kashipur or anywhere you live. Okay students? Now come to next question. Where do you live? Same question hai. Where do you live? Aap kahan rehte hain? So I live in. If you are in Jaspur, then you will say I live in Jaspur. If you are in Kashipur, then you will say Kashipur. I live in Jaspur. I live in Kashipur or any other place you are living. Okay? Now come to next question. With whom do you stay? With whom do you stay? आप किसके साथ रहते हैं? Stay means रहना. आप किसके साथ रहते हैं? तो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप बोलेंगे आई स्टे विद माय पेरेंट्स. आई स्टे विद माय पेरेंट्स. और आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं देन यू विल से आई स्टे विद माय ग्रैंड पेरेंट्स. आई स्टे विद माय ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, आई एम रिवाइजिंग यू अगेन. वेयर इज योर हाउस, यू विल रिप्लाई. कोई भी आपसे पूछता है वेयर इज़ योर हाउस, देन यू विल रिप्लाई माई हाउस इज़ इन जसपुर, काशीपुर या कहीं भी अफजलगढ़, जहाँ भी आप रहते हो, यू विल रिप्लाई ओके माई हाउस इज़ इन ब्लैंक. नाउ नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? यू विल रिप्लाई आई लिव इन जसपुर, काशीपुर और एनी प्लेस, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का नेम बोलेंगे. नेक्स्ट, विद होम डू यू स्टे, आप किसके साथ रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, आई स्टे विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ या रहती हूँ. आई स्टे विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ या रहता हूँ. ओके, तो आप ऐसे बोलेंगे इनको. अप टू 15 क्वेश्चन मैम ने आपको रिवाइज करा दिया है, एंड 1 से लेकर 15 तक आपको अच्छे से इसके आंसर्स लर्न होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय.